अडामा इंडिया भारतीय किसानों को व्यापक स्तर पर फसल सुरक्षा समाधान प्रदान करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना AICRPN और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने साथ मिलकर मेरठ में टमाटर पर परजीवी सूत्रकृमि को कंट्रोल करने के लिए उत्पाद बनाया, जिसका नाम है निमिट्स। अपने इस नए उत्पाद निमिट्स को इस्तेमाल करने के लिए एक 3 दिवसीय कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गया प्रसाद और अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO मिस्टर उरी रॉबिन्स्टीन के द्वारा 6 मई 2019 को किया गया। पहले मैं आप सबको ये यूनिवर्सिटी से इक्विप से और अडामा कंपनी से हार्दिक सुस्वागत करता हूँ। सबको हार्दिक सुस्वागत ये कार्यक्रम में। I really appreciate the efforts that you made to come here. I'm also a farmer. I know how precious is your time. We at Adama, we are doing our utmost to bring the best quality and the best product to the market. Nimitz is a product that will help the farmer in a safety way to earn more from their crop. I wish you all a good monsoon season, wealthy and healthy life. Shukriya. जैसा कि हम देख रहे हैं, आज ये निमेटोड से संबंधित प्रोग्राम चल रहा है और मुझे निमेटोड के संदर्भ में बताने के लिए खड़ा किया गया है। तो मैं समझता हूँ सभी किसान भाइयों ने निमेटोड जो माइक्रोस्कोप में देख लिया होगा कि निमेटोड कैसा दिखता है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि निमेटोड कैसा है। नहीं भी आइडिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ, निमेटोड जिसको हम हिंदी में सूत्र कृमि कहते हैं, सूत्र मतलब धागा और कृमि मतलब कीड़ा, तो धागे के नुमा जो कीड़े हैं उनको हम जनरली सूत्र कृमि या अंग्रेजी में निमेटोड कहते हैं। और ये निमेटोड वैसे तो बहुत तरह के निमेटोड है, बहुत बड़ी तादाद में, मतलब अगर जीवों की तादाद में देखा जाए तो इनकी बहुत बड़ी संख्या होती है, करीब नंबर 2 पे आते हैं इसे संख्या के आधार पर। लॉन्च पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गया प्रसाद ने कहा कि निमिट्स अडामा इंडिया का एक बेहतरीन उत्पाद है और मैं सभी किसान भाइयों को सूत्रकृमि प्रबंधन हेतु इस उत्पाद का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।